दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपना जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपने मजे की एक बात सुन ली कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको यूट्यूब पर तो कुछ वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने का दावा देती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऑनलाइन आप जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अकाउंट आप ओपन करोगे उसको जीरो बैलेंस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको तरीका बता दूंगा। अब यहां पर दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो और फ्री में आप अनलिमिटेड चेकबुक, फ्री में डेबिट कार्ड, फ्री में आप जो है तो सभी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बहुत सारा मैंने चेकबुक मंगा के रखा है। सिर्फ मंगाया मैंने इसलिए है क्योंकि यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि मैं जितना मन चाहे उतना ऑर्डर करूंगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या हमें उतना चेकबुक प्रोवाइड करेगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट को जीरो फी बैंकिंग सर्विस भी बोला जाता है क्योंकि इसमें आप चाहे चेकबुक ले लीजिए, चाहे डेबिट कार्ड ले लीजिए, चाहे आईएमपीएस करिए, आरटीजीएस करिए, एनईएफटी कीजिए या फिर एटीएम कैश विड्रॉल कीजिए, सभी पर आपको जीरो चार्जेस, कोई भी यहां पर चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जीरो चार्जेस के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अकाउंट आप यूज कर पाएंगे। अब यहां पर आपको दो टाइप्स के अकाउंट मिल जाएंगे, एक पर आपको 10,000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ती है और दूसरे पर आपको 25,000 रुपए की फंडिंग करनी पड़ती है, जिस पर आपको देखो क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर 10,000 की अगर फंडिंग करेंगे तो क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा और क्लासिक डेबिट कार्ड में आपको यहां पर आपको लगभग सभी फीचर मिल जाएंगे जो आपको यहां पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर मिलता है। लेकिन इस पर क्या होता है कि जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है इस पर हमें एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिल जाएंगे। अगर कभी भी आप एयरपोर्ट में ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे तो आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस का यहां पर आप फायदा उठा सकते हैं फ्री में। अब यहां पर दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप इस डेबिट कार्ड से 2,00,000 रुपए आप किसी भी एटीएम कैश से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, 6,00,000 रुपए का ऑनलाइन आप पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। काफी बड़ा मोटा मोटा यहां पर ट्रांजेक्शन आपको देखने को इस डेबिट कार्ड से मिल जाता है। इस अकाउंट में बहुत सारे मोटे मोटे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो। यहां पर जो आप बेनिफिट्स देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा जैसे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनको आप रिजेक्ट मार दोगे क्योंकि ये जो अकाउंट है इनके अकाउंट के अलावा आपको यहां पर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकाउंट मिलता है काफी कमाल का अकाउंट है। चाहे आप 10,000 वाला अकाउंट ओपन कीजिए, चाहे 25,000 वाला अकाउंट ओपन कीजिए, दोनों अकाउंट काफी कमाल के अकाउंट है। अब चलिए यहां पर हम कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने से पहले ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड, पेन कार्ड ये आपको अपने साथ रखना है, व्हाइट पेपर शीट और एक ब्लैक या ब्लू कलर का पेन रखना है। वीडियो कॉल के थ्रू दिखाने के लिए, वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन के बाद यहाँ पर हम दिखाएंगे कैसे अपने अकाउंट को आप अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे इस पेज पर आएंगे यहाँ पर इनके फीचर हाईलाइट किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा और एक बार आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना मिस कर दिया तो ऑनलाइन अकाउंट दोबारा आप ओपन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है और मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है। नीचे यहाँ पर मिल जाएगा पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर देंगे। नीचे 12 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर चारों डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। डाल के यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है वो वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यूआईडीआई पोर्टल से आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर फेच करेगा, यानी आपका आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स रहता है जैसे आपका फोटो, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपका मैच करता है। और यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आधार कार्ड पर आपके एड्रेस रहता है वो एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। अगर आपका एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड पर है और आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक मार कर दें। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपका वो होता है जिस एड्रेस पर आपका वेलकम किट आपका एड्रेस पर डिलीवर किया जाएगा। फ्यूचर में जितना भी बैंक से कम्युनिकेशन होगा आपका इसी एड्रेस पे होता है। तो यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आप अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी कितनी हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रॉस एनुअल इनकम आपको ज्यादा डालना है, आपको ज्यादा डालने से कोई भी आईटीआर में या फिर इनकम टैक्स से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या होगा कि अगर आप ज्यादा एनुअल इनकम डालेंगे तो क्रेडिट कार्ड और लोन का अप्रूवल आपको जल्दी मिल जाता है। यहाँ पर नीचे आना है, आपको मदर्स फुल नेम देना है, उसके बाद यहीं पर मिल जाएगा आपको सेलेक्ट योर प्रोडक्ट और यहाँ पर देख सकते हैं कि अप टू 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। मंथली इंटरेस्ट आपका
क्रेडिट होता है और कोई भी चार्जेस कोई भी फीस नहीं है। आपको यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं आपको अनलिमिटेड और फ्री मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे 10,000 का फंड वाला अकाउंट है और 25,000 वाला फंड का अकाउंट है, आप जिस भी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं उस अकाउंट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चीज और यहाँ पर डिफरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 10,000 वाले अकाउंट पर आपको 5,00,000 का मिलता है और जो 25,000 वाला अकाउंट है उस पर आपको 35% का एक्सीडेंटल कवर आपको मिलता है। और यहाँ पर नीचे आपको जितनी भी इनके शेड्यूल चार्जेस वगैरह होते हैं आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोसीड टू ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे प्रोसीड टू ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कॉन्सुलेशन आ जाएगा और यहाँ पर सेविंग अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाती है और इसके बाद ही इंस्टेंट यहाँ पर आपको वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगा और अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। वीडियो कॉल कनेक्ट करते टाइम यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको अपना पैन कार्ड अपने साथ रखना है, आधार कार्ड अपने साथ रखना है, व्हाइट कलर की पेपर शीट अपने साथ रखनी है और ब्लैक या ब्लू कलर का पेन अपने साथ रखना। और उसके बाद आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी, वो पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करना है, जितने भी परमिशन मांगेगा परमिशन आप अलाउ करेंगे और वीडियो कॉल आपसे कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा, आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स बतानी है और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड शो करना है, आपको अपना सिग्नेचर करके अपना सिग्नेचर दिखाना है। फिर सिग्नेचर यहाँ पर आप दिखाएंगे वही सिग्नेचर आपके बैंक रिकॉर्ड्स में आ जाएगा और उसी सिग्नेचर से आपको चेकबुक इश्यू करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो केवाईसी जैसे कंप्लीट होती है यहाँ पर देख लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा, आपका कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपको फंडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर फंडिंग करने के बाद यहीं पर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो गया और उसके बाद यहाँ पर आपको फंड योर अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की फंडिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप फंडिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार केवाईसी हो गया, वीडियो केवाईसी हो गया और कंप्लीटेड केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है। जैसे आप फंडिंग कर लेंगे उसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद और यहाँ पर इनका मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे, इनकी वेलकम किट आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर एड फंड्स टू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितना भी यहाँ पर आप फंड अकाउंट पर ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जिस भी मेथड से यहाँ पर आपको ऐड करना है वो मेथड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, हमें फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिस भी मेथड से हमें करना है वो ऑप्शन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर हम डेबिट कार्ड का नंबर या फिर डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर हम फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप फंड ऐड कर लेते हैं कॉन्सुलेशन आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन फंडेड, यहाँ पर आपके अकाउंट पर सक्सेसफुली फंड ऐड हो चुका है। प्रोसीड टू अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाता है, जैसे कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको मिल गया। उसके बाद क्या करना है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन इसका इंस्टॉल कर लेना है और मोबाइल बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो जो अकाउंट डिटेल्स होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको मिल जाता है और इनकी मोबाइल बैंकिंग भी इंस्टेंट आप एक्टिवेट कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी इंस्टेंट आप एक्टिवेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों कि हम अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो जो भी आप अकाउंट ओपन करते हो उस अकाउंट को आप दूसरे अकाउंट में भी आप मर्ज करवा सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो। तो किसी भी बैंक अकाउंट में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बीएसडी अकाउंट जरूर होता है, ये गवर्नमेंट का रूल है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस सभी बैंक में बीएसडी अकाउंट जरूर होता है। तो जो भी आप अकाउंट ओपन करते हैं उस अकाउंट को आप अपने बीएसडी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है। एक बार आप अपने कभी भी ब्रांच विजिट करेंगे और ब्रांच विजिट करके आप अपने अकाउंट को बीएसडी अकाउंट में कन्वर्ट करा लेंगे। और इस तरीके से दोस्तों जैसे आप अपना अकाउंट कन्वर्ट भी कर लोगे ना तो फ्री में आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड भी मिल गया, फ्री में आपको चेकबुक भी मिल गया। तो यहाँ पर फ्री में आपका यहाँ सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री भी हो जाती है और आपका अकाउंट भी जीरो बैलेंस का हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि इंस्टेंट में अगर आप अपने अकाउंट ओपन करोगे तो इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ती है इंस्टेंट अकाउंट ओपन करते टाइम। लेकिन जीरो बैलेंस का कोई भी अकाउंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है तो जीरो बैलेंस के अकाउंट तो ऑनलाइन आप ओपन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट ही ओपन करना है तो आप इंडसइंड बैंक का एक बेहतरीन जीरो बैलेंस का इंडी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसमें आपको फ्री में डेबिट कार्ड मिल जाएगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड, जिससे अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम लिंक करके यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो और आपको फिजिकल कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनकी मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग भी आप घर बैठे इस्तेमाल कर पाओगे और इंस्टेंट ऑनलाइन आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।